पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। संतान की प्राप्ति की कामना के लिए तथा पुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। जिनको संतान नहीं है, जिनको पुत्र नहीं है, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को बहुत ही मनोयोग के संग करते हैं। और जिनको गोविंद ने पहले से संतान दिया हुआ है, वो अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस व्रत को बहुत ही मनोयोग के संग करते हैं। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाला। तो पुत्रदा एकादशी के दिन सभी स्त्री और पुरुष बहुत ही विधि विधान के संग श्रीहरि की करुण प्रार्थना करते हैं, उनकी विधि विधान के संग पूजन कर अर्चन करते हैं और अपनी खाली झोली भरने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए इस दिन उनसे प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 के पौष मास के पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब है, उसका समापन कब है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस व्रत को करने की क्या विधि है तथा इसका पारण मुहूर्त कब से कब तक है। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत हमारे जितने भी प्रकार के पाप होते हैं उन सभी का नाश करती है और संतान सुख देती है। वंश की वृद्धि के लिए तथा संतानों पर आने वाले सभी प्रकार के संकटों का नाश करने के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि 2024 पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी दिन शनिवार के शाम में 7:26 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 21 जनवरी दिन रविवार के शाम में 7:26 पर हो रहा है और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि अगले दिन अर्थात 22 जनवरी दिन सोमवार के शाम में समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 21 जनवरी को पूरे दिन हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है और संध्या काल में हमें द्वादशी तिथि प्राप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग के आधार पर 21 जनवरी दिन रविवार को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह व्रत इंद्र योग में और ब्रह्म योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है और इस दिन दिव्य पुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि 21 जनवरी की मध्य रात्रि में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 21 जनवरी को जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है यह बहुत ही उत्तम संयोग में, बहुत ही शुभ संयोग में संपन्न हो रहा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी संप्रदायों में 21 जनवरी दिन रविवार को ही मनाया जा रहा है, चाहे स्मार्ट हो चाहे वैष्णव, सभी लोग 21 जनवरी दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत रख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में भी 21 जनवरी दिन रविवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और इस एकादशी का पारण मुहूर्त 22 जनवरी दिन सोमवार की सुबह में 6:45 से लेकर सुबह में 10:21 तक है। थोड़ा सा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है तो इसलिए हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम जाए, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है और आप सभी एकादशियों का व्रत नहीं करते हैं तो आप केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश पुत्रदा एकादशी का व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजन अर्चन कीजिए विधि विधान के संग और मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए, इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जिनको बच्चे की चाहत है, जिनको संतान की कामना है, उनके लिए मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त विधि से इस दिन पूजा करने का तरीका बता रही हूँ, जिससे आप करके इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन आपको जल्दी सूर्योदय से पहले जल्दी उठ जाना चाहिए, स्नान करके सूर्य नारायण को आपको जल अर्पित करना चाहिए और माता तुलसी को दीपदान करना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपको स्तोत्र आते हैं तो उनका स्तोत्रों का आपको पाठ करना चाहिए। इस दिन माता तुलसी की सुबह और संध्या काल में दीपदान करना और उनकी परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे श्रीहरि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो सुबह के समय में हमें सूर्यदेव को अर्घ्य दे के माता तुलसी की पूजन अर्चन करके, अगर आपको मंदिर में ही पूजा करनी है तो आप मंदिर में ही कीजिए या फिर जिस जगह पर आपको पूजन अर्चन करनी है उस जगह पर एक चौकी की स्थापना कीजिए और एक कलश की स्थापना कीजिए और एक दीपक की स्थापना कीजिए। और ये दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, आप तेल का भी जला सकते हैं, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। और दीपक ऐसा प्रज्वलित कीजिए कि वो पूरा दिन दीपक जले और पूरी रात्रि दीपक जले। जब अगले दिन आप व्रत का पारण कर लें तभी वो दीपक आपका ठंडा हो। उसके पश्चात अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति है तो आप मूर्ति की स्थापना कीजिए, अगर मूर्ति नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आप फोटो की स्थापना कीजिए। मूर्ति है तो उन्हें दूध और जल सिरकाभिषेक कीजिए और फोटो है तो उस पर जल का छिड़काव करके फोटो को अपना साफ कर लीजिए। हल्दी का और चंदन का उन्हें टीका अर्पित कीजिए, उन्हें माला और पुष्प अर्पित कीजिए, उन्हें भोग उन्हें अर्पित कीजिए।
उसके पश्चात उन्हें धूप और दीप दिखाइए और एका पुत्रदा एकादशी के व्रत का कथा आप पढ़िए। और अगर ये कथा अगर आप संध्या काल में भी पढ़ सकते हैं और सुबह में भी पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास समय है, जिस समय आपके समय है उसके अनुसार आप कीजिए, क्योंकि किसी भी समय आप कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का आप जाप कीजिए। जिस मंत्र का आप पहले से आप जाप करते आ रहे हैं उस मंत्र का आप जाप कीजिए, और अगर किसी मंत्र का पहले से आप जाप नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही प्रभावशाली और छोटा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए, क्योंकि देखिए ये कलयुग है, कलयुग में मंत्र ही ज़्यादा, जो मंत्र है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और इसी से हम सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अपने पापों का नाश करते हैं और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देखिए हमने पिछले जन्म में हमने कौन सा पाप किया हुआ है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है, और इस जन्म में हमसे जाने अनजाने प्रतिदिन पता नहीं कितने कितने प्रकार के पाप होते रहते हैं, तो उन सभी के नाशों के लिए हमें मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तभी जो है हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जब तक हमारे पापों का नाश नहीं होगा, जब तक हमारा भाग्योदय नहीं होगा, तब तक जो हमारे संतान प्राप्ति की जो कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, वो पूर्ण नहीं होगा। और इस दिन करुण भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए अपनी झोली भरने का, क्योंकि यह मैं जो आपको अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी संतान प्राप्ति में स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उसके पश्चात मेरे गोविंद ने मुझे दो बच्चे मुझे प्रदान किए, तो मैं अपने अनुभव से इस चीज़ को बता रही हूँ कि आपको गोविंद की करुण प्रार्थना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब हम एकादशी व्रत के दिन हम रात्रि जागरण करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई श्रीहरि का मंदिर है और एकादशी व्रत के दिन वहाँ पे भजन कीर्तन रात्रि में होता है, तो आप उस दिन उसमें सम्मिलित होइए और आप उस दिन रात्रि जागरण कीजिए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आपके आसपास श्रीहरि का मंदिर नहीं है, आपको घर में ही रह के पूजन अर्चन करना है, तो घर में अगर आप अकेले रहते हैं तो रात्रि जागरण करना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, तो कोशिश करके इस दिन आप मध्य रात्रि तक आप कम से कम जागरण कीजिए, मध्य रात्रि तक जगिए, आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, आप उनके कथा श्रवण कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता है, आप रामचरितमानस है, या बहुत ही अच्छे अच्छे जो आप हैं धार्मिक पुस्तकों का आप पाठ कीजिए, लेकिन मध्य रात्रि तक जगने की आप कोशिश कीजिए। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात आप अपना स्नान कीजिए, एक ब्राह्मण को कोशिश कीजिए या तो घर बुला के उन्हें कुछ खिलाइए, या तो फिर उनको खाने की सामग्री उनके घर आप भिजवा दीजिए दक्षिणा के साथ, और उसके पश्चात जो एकादशी व्रत का पारण होता है, पारण का जो समय होता है, मुहूर्त होता है, उसमें ही हमेशा व्रत का पारण करना चाहिए, तभी हमें व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। एकादशी व्रत का रात्रि जागरण और एकादशी जो पारण का जो मुहूर्त होता है उसमें पारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तभी हमें एकादशी व्रत का हमें पूर्ण लाभ मिलता है। जब आपका पुत्रता एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात आपको प्रतिदिन, ऐसा नहीं है कि उस व्रत के बाद आपको भगवान श्रीहरि की पूजा नहीं करनी है, उसके पश्चात आपको प्रतिदिन जो आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति या आपने जो फोटो रखी है प्रतिदिन उसकी आप पूजन अर्चन कीजिए, और प्रतिदिन अपने मंत्रों का आप जाप करिए, क्योंकि तभी, क्योंकि एक दिन के व्रत से और एक दिन के पूजन से कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। जब तक आपकी जो मनोकामना पूर्ण न हो जाए तब तक प्रतिदिन गोविंद से खाली झोली भरने के लिए उनसे करुण प्रार्थना कीजिए और अपने मंत्रों का प्रतिदिन आप जाप कीजिए। गोविंद ने मुझे दो बच्चे दिए हुए हैं, दो मुझे पुत्र दिए हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी मुझे दो और पुत्र हुए थे, जो कि एक मेरा जो पुत्र था वो एक हफ्ते का होके गोविंद के पास चला गया और एक मेरा पुत्र वो 21 दिन का होके गोविंद के पास चला गया। उसके पश्चात मैंने भी बहुत ही करुण प्रार्थना की थी गोविंद से, मुझे गोविंद ने मेरी खाली झोली भरी और मुझे दो पुत्र मुझे प्रदान किए। इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ, केवल एक दिन की पूजा से, एक दिन के व्रत से कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, आपको निरंतर जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है गोविंद से आपको प्रतिदिन करुण प्रार्थना करनी होगी और मंत्र का जाप आपको करना होगा, क्योंकि मंत्र का जाप अगर आप नहीं करते हैं तो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में मंत्र जाप, नाम जाप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और यही अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आप मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिए। और अगर आप मैंने किस विधि से पूजन अर्चन किया इस टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से कोई वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने लगूंगी, बातें बताने लगूंगी मैंने कैसे पूजन अर्चन किया, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिनको भी पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, गोविंद उनकी प्रार्थना सुने और आप इस व्रत को बहुत ही अच्छे से पूर्ण कीजिए और प्रतिदिन गोविंद की पूजन अर्चन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।